वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पर्यावरण शिक्षा का पार्ट 3 जो हमने पिछले वीडियो में आधा पार्ट पढ़ चुके हैं, बाकी का पार्ट इस वीडियो में करेंगे। पाठ का शीर्षक है चखने से बचने तक। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हम भोजन का स्वाद सूंघकर चखकर कैसे अनुमान लगा सकते हैं। आज हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आपको अपनी बुक का चैप्टर 3 का पृष्ठ 25 पर आएंगे और नीचे लिखा है चबाकर या चबा चबाकर खाना। यहाँ पर दो चीज़ें दी गई है, एक चबाकर खाना और एक चबा चबाकर खाना। चबाकर खाना मीन्स एक दो बार चबाओ और खा लो, और चबा चबाकर खाने का मतलब है जैसा कि बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है, बार बार चबाना फिर खाना। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम भोजन को एक दो बार चबाएंगे, कभी आप ये सब करके देखना, एक दो बार चबाएंगे तो हमें क्या है ना, भोजन का स्वाद अच्छे से पता चलता है और ना ही वो भोजन हमारे शरीर में सही ढंग से पचता है। हमें क्या करना चाहिए? वैसे कहा जाता है कि जितने दांत होते हैं 30 से 32 बार हमें भोजन के एक ग्रास को चबाना है और फिर खाना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो हमें पचने में, भोजन को पचाने में मदद करेगा और हमारे शरीर को प्रॉपर उससे ताकत मिलेगी। यहाँ पे कुछ करने को आपको दिया है, आपने अपनी बुक पे जाना है। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या होगा? कुछ स्वाद नहीं लगेगा। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30 से 32 बार चबाओ और अब देखो अब क्या बदलाव आया। ये सब आपको घर पे करना है जब आप खाना खाते हैं। क्या बदलाव आएंगे, मैं पहले कह चुका हूँ। एक तो हमें भोजन बहुत स्वादिष्ट लगेगा, दूसरा क्या है, भोजन को पचने में भी हमें मदद मिलेगी। आपके घर में लोग आपको कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक ढंग से चबाओ, अच्छे से पचेगा। सोचो वो ऐसा क्यों कहते होंगे। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर हम सब्र के साथ चबा चबा कर खाना खाएंगे तो खाना अच्छे से पचेगा और हमें भोजन स्वादिष्ट भी लगेगा। अब नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे, दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है कि शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? चित्र में दिए गए, आपके पास यहाँ पे बुक में मैं दिखा रहा हूँ, एक चित्र दिया है, पिक्चर दी गई है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आपको पूरा पाचन तंत्र नहीं बनाना है, ये आपके क्लास के स्टैंडर्ड का नहीं है। सिर्फ आपको भोजन नली जहाँ से हम ग्रास को अंदर लेते हैं और आमाशय, छोटी आँत बड़ी आँत ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। भोजन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ पचता है, इसको हम आने वाली बड़ी क्लासेस में या जब हमारे स्कूल खुलेंगे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करना है कि भोजन हमारा कहाँ जाता है, और फिर जब हमारे स्कूल खुलेंगे, इसमें कहा भी है कि हम अपने साथी के चित्र को भी देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से बनाया है और आपने किस तरीके से बनाया और उसमें अंतर क्या है। कुछ और चर्चा करते हैं। क्या तुमने कभी किसी को कहते सुना है या तुमने भी कभी कहा होगा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? ऐसा कहते हैं ना बच्चों हम अक्सर। क्या सच में चूहे कूदते हैं? बिल्कुल नहीं, चूहे नहीं कूदते हैं। ये एक मुहावरा है जिसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं। चूहे कूदने का मतलब क्या होता है, क्या होता है? बहुत भूख लगना। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, पेट में चूहे कूदना। मतलब बहुत भूख लगना। अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हम कैसा महसूस करते हैं बच्चों? हमारा शरीर थका थका सा होता है, शरीर हारा सा होता है, हमारा कहीं काम में मन नहीं लगता है, हमारे शरीर में ताकत नहीं होती है, हम कुछ कर पाने में असमर्थ होते हैं, ऐसा होता है ना। अब तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? हाँ बच्चों, कैसे पता चलता है आपको कि भूख लगी है? एक तो आपका जो मन होगा बार बार भोजन करने को करेगा, कुछ भी खाने की चीज़ आपको दिखेगी, आपकी लात टपकेगी, आपका उसकी ओर ध्यान आकर्षित होगा क्योंकि आपने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं है। दूसरा क्या कि आपके शरीर में कमजोरी महसूस होगी, आप कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, ना खड़े हो सकते हैं प्रॉपरली, ना कुछ वर्क कर सकते हैं, ना भाग दौड़ कर सकते हैं। सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा,
तो ये सब होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका शरीर बहुत शिथिल पड़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, आप कुछ करने योग्य नहीं रह पाओगे। और पानी के बिना भी, पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आजकल घर पे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करें, पानी का प्रयोग करें। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ग्लूकोज। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ग्लूकोज के बारे में आपने बच्चों सुना भी होगा। कभी हम जब मैदान में होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या टूर्नामेंट में आपने देखा होगा, हम आपको क्या देते हैं, ग्लूकोज खाने को देते हैं। ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज बेसिकली क्या करता है कि हमारे शरीर में जो कमी हो जाती है जैसे भोजन और पानी की, वो फिलहाल हमें कुछ समय के लिए ताकत देता है। यहाँ पे नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लगे थे, उफ कुछ भी खाओ या पियो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए कहा। ये हमने पिछली चौथी कक्षा में भी पढ़ा था, नमक और चीनी का घोल क्यों पिलाते हैं हम शरीर में, जैसे दस्त और उल्टी, डिहाइड्रेशन होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वो बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी, फिर उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा और ग्लूकोज चढ़ाने को कहा। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देते थे, अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे समझाया, उसे कहा खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। क्यों नहीं रुक रहा था उसके खाना पानी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डाइसेंट्री लगी थी और खाना उल्टी हो रही थी, पेट में कोई भी भोजन उसके रह नहीं रहा था और कमजोरी आ गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे क्या है, ग्लूकोज चढ़ाया। तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। अब बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था, नीतू के पिताजी ने उसे यही घोल दिया था। सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है और डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम नमक चीनी का घोल देते हैं। आपने क्या ग्लूकोज का स्वाद चखा है? मुझे लग रहा है कि आप सभी ने चखा भी होगा, और कैसा होता है ये आप सबको पता है। क्या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया है? कब और क्यों? अपने साथियों से, अपने परिवार में आप बात कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, अपने साथी पड़ोसियों से बात कर सकते हैं कि आपको ग्लूकोज चढ़ाया है, कैसा महसूस होता है, क्यों चढ़ाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक कहानी दी है, कहानी पेट में झांका जाना भेद। ये एक बहुत ही अच्छी और रुचिकर कहानी है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपके पास बुक सबके पास घर पे है। आपको क्या करना है, इस कहानी को घर में, जैसे कल संडे है, छुट्टी वाले दिन आप इस कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे और इस कहानी से आप आनंदित भी होंगे। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अर्पणा के पास इलाज के लिए दो बच्चे आते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, दोनों बच्चों का नाम है, एक रश्मि है और दूसरा कैलाश है। दोनों बच्चों ने डॉक्टर अर्पणा से बात की, बातचीत में कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है। आप भी कभी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे सीधा ही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सीधा ही आपका इलाज नहीं शुरू करते हैं, पहले आपके बारे में जानते हैं कि आपको भूख लगती है, आप पानी कितना पीते हैं, आपके परिवार में किसी और को बीमारी तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिस्ट्री वो पूछते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो सही ढंग से आपका उपचार कर सके और बीमारी का पता लगा सके। अब रश्मि देखो 5 साल की लड़की है, 5 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ, अक्सर बीमार रहती है, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती। अब खाना क्या खाती है वो, पूरे दिन थोड़े से चावल, एक आध रोटी मिली तो समझो से उस दिन बहुत मिल गया। अब कैलाश 7 साल का लड़का है, उम्र में थोड़ा सा बड़ा है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर सकता है, बस में स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। और अब उसका खाने का प्रोसेस देखते हैं कि क्या खाता है, घर का बना खाना उसको
को पसंद नहीं, दाल चावल रोटी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक, बस यही बात है। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही बच्चे बीमार हैं और इनकी बीमारी का जो कारण आप यहाँ पे पा रहे होंगे कि दोनों की खाने की आदतें हैं। रश्मि क्या करती हैं, थोड़े से चावल खाती है, रोटी मिली खा ली और उसके लिए उतना ही बहुत है दिन में। क्या एक बच्चे के लिए खाना दिन में पूरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैलाश को, कैलाश क्या करता है, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है, बाहर का खाना मतलब चावल रोटी सब्जी से तो बहुत ही दूर है वो उसको क्या पसंद है, बाजार से लाए चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक्स, बस उसको यही सभी भाता है। ये बच्चों ये सब चीज़ें आपको भी अच्छी लगती हैं परंतु हमें इससे बचना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पौष्टिक भोजन है उसको करना चाहिए। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की, दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी एक का एक ही इलाज है, वो कौन सा इलाज है, सही खाना। मतलब तुम दोनों सही ढंग से नहीं खाते हैं, अगर सही ढंग से खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। चर्चा करो, तुम्हें क्या लगता है कि रश्मि पूरे दिन एक रोटी क्यों खाती होगी, क्या कैलाश को खेलकूद में दिलचस्पी होगी, ये आपने सोचना है। सही खाने से तुम क्या समझते हो, तुम्हारे हिसाब से शरीर रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है, लिखो। ये आप रफ में अपने पास लिख सकते हैं कि क्या क्या आदतें होनी चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य में और सुधार आ सकता है, रश्मि को क्या करना चाहिए और कैलाश को क्या करना चाहिए। पता करो, आपने पता करना है, दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे, छोटे थे, तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे और क्या खाते थे। अब तुम सोचो, तुम जो खाते हैं जो काम करते हैं, क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें बातें बड़े जैसी हैं या उनसे अलग हैं। कहीं ना कहीं तुम पाओगे, आपने सुना भी होगा अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी से, माता पिता से कि हम अपने टाइम में ये करते थे, हम खेत में होते थे, हल चलाते थे, खाना हमारा इस तरह का होता था, अपना अनाज हुआ करता था। आज क्या, आज स्थिति बदल गई है, आज हम काम बहुत कम करते हैं और दुकान से हमारा सारा सामान आ रहा है, राशन दुकान से आ रहा है, अपने घर का अनाज हमारा होता नहीं है, तो हमारे खान पान और रहन सहन में बहुत बदलाव आया है। ये आपके दादा दादी आपके माता पिता आपको और अच्छे से समझाएंगे। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं भरपेट खाना सभी बच्चों का। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट पर खाना मिलता ही नहीं। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है, हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं और उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ये कम बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो दिन भर खाने को उसको कुछ नहीं मिलता, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? अब इस बुक से हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है। इसमें हमने खाने की आदतों के बारे में पढ़ा और आपको जैसे मैंने छोटे छोटे वर्क दिए हैं कि आपको क्या करना है, अपने खाने संबंधी आदतें, आप कितना खा रहे हैं, कितने आपके शरीर को ज़रूरत है, क्या आपको खाना चाहिए, किस समय आपको खाना चाहिए, ये एक चार्ट आप बना सकते हैं अपने लेवल पे और अपने पौष्टिक आहार लेने की कोशिश करें, संतुलित भोजन करने की कोशिश करें। आज इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा चैप्टर चखने से पचने तक कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अलग से पेज पर लिख के दूंगा जो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।